And I hope you enjoyed the performance. May I request for a really, really loud round of applause. They're really young performers. आपकी तालियों से उनका उत्साहवर्धन होगा. और पिछले दो दिन से बड़ी शिद्दत से यहाँ पर रिहर्सल ये लोग कर रहे थे और बड़ी मेहनत से इन्होंने ये समूह गान आपके सामने रखा है. As we had shared earlier, we have a special message from the Honorable Minister of State, who's representing us in Kutch today. सभी भारतीय महिलाओं का गौरव और उनका प्रतिनिधित्व करते हुए वे हमी सभी को और देश को आगे बढ़ाते हुए वहाँ कच्छ में हमारा प्रतिनिधित्व कर रही हैं. आज हिमाचल से हमारे बीच में इंदू जी हैं, जिन्हें वैक्सीनेशन लगाने के लिए रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन इन्होंने हिमाचल में लगाया और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हैं और हिमाचल का नाम रोशन किया है. आइए हम इंदू जी से बात करेंगे कि उन्हें अभी यहाँ पर अवार्ड पाके कैसा महसूस हो रहा है. जी इंदू जी, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि आज मुझे जो है वो राष्ट्रीय अवार्ड के लिए चयनित किया गया है. और इसमें और भी खुशी की बात यह है कि इसमें जो हम हिमाचल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हिमाचल के लिए भी खुशी की बात है, गर्व की बात है मेरे लिए भी और पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए. इसमें मैं अपने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का, अपने पूरे स्वास्थ्य विभाग और अपने हॉस्पिटल के सभी मेम्बर्स को, पूरे स्टाफ को धन्यवाद करना चाहती हूँ और सभी को मुबारक. बहुत बहुत धन्यवाद. आप दिल्ली में आई, आपको अवार्ड मिला, आप अवार्ड से सम्मानित हुई. तो हिमाचल में कितने डिस्ट्रिक्ट जो हैं जहां से लेडीज़ को यहां पर इस कार्य के लिए बुलाया गया था? इसमें जो है हिमाचल में पूरे दो डिस्ट्रिक्ट के लिए जो लेडीज स्टाफ है वो बुलाया गया है. उसमें से एक मैं धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से हूँ और दूसरी जो है वो सिरमौर से. तो बाकी डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनमें जो है हमारी लेडीज़ वर्कर हैं, उन्होंने भी काम किया होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ जो काम किया है वैक्सीनेशन लगाने का आपने किया है, इसलिए आपको सम्मानित किया गया. और भाई साहब, आपको कैसा महसूस हो रहा है कि आपकी पत्नी ने इस तरह से अवार्ड यहाँ पर लिया है हेल्थ मिनिस्टर से, तो कैसा आप महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है. मेरी पत्नी जो है पूरे हिमाचल और पूरे जिला कांगड़ा का जो नाम रोशन किया है और काफ़ी गर्वित महसूस कर रहा हूँ. थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद. अबे ना, हट गया.
आज हमारे बीच उत्तराखंड से नीमा और शांति जी हैं, जिन्हें अवार्ड मिला है। स्वास्थ्य विभाग में इन्होंने वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड तोड़ जो है वैक्सीनेशन किया है, इसलिए सरकार ने नमूनित करके यहां पर बुलाया दिल्ली में, और आज महिला दिवस को अवार्ड दिया गया है। हम नीमा जी से जानने चाहते हैं कि आप कैसा महसूस कर रही हैं। नीमा जी, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, क्योंकि हमारे सामने बहुत परिस्थिति बहुत मुश्किल परिस्थिति थी, जब कोविड के कारण लाखों लोगों की जान जा रही थी। हमें ये देख के बहुत दुख हो रहा था। हम लोगों ने रात दिन, जब से मोदी जी की उससे कोविड वैक्सीनेशन का हुआ, हमने रात दिन वैक्सीनेशन कराया। सुबह से लेकर शाम तक हमने कोई छुट्टी नहीं ली है, कोई कुछ नहीं लिया है, और 1,20,000 से ऊपर में वैक्सीनेशन कर चुकी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इस तरह से देश के लिए काम किया है। नारी शक्ति को सलाम है। और अभी हमारे बीच में शांति जी हैं, वो भी उत्तराखंड से हैं। तो शांति जी, आप बताएंगे कि किस तरह से आपको प्रॉब्लम्स आई हैं वैक्सीनेशन लगाने में, ऐसे रूरल एरिया में। आप उत्तराखंड से हैं, और आप कैसा महसूस कर रही हैं कि आपको जो है अवार्ड मिला है कोविड-19 का? सर, मुझे बहुत खुशी है कि मैंने जनहित और देश हित में काम करते हुए यह मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मुझे बेस्ट वैक्सीनेटर अवार्ड दिया गया। सर, मुझे जब काम करते हुए, जनहित में काम करते हुए, मुझे बहुत, जो कोविड का हमारा शुरू का सफर था, बहुत चुनौतीपूर्ण था हमारे लिए। हम घर घर जाकर हमने लोगों को समझाया, और समझाने का हमारा यह परिणाम निकला कि हमने 100% अच्छी तरह प्राप्त किया, जिसमें मेरे सीनियर ऑफिसर या सीनियर के साथ में मेरा मार्गदर्शन करते हुए मैं आगे अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इसी तरह से काम करते रहें, और बहुत अच्छा लगता है जब आपको रिवार्ड मिलता है, गवर्नमेंट जो है आपको सम्मान करती है। तो जैसे दर्शक हैं, वो भी आपके साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए आ जाते हैं। जिस तरह से दो महिलाएं जो हैं आपका साहस देख के, आपका कार्य देख के आपके पास आ गई हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार से फिर से नारी शक्ति को सलाम। डॉक्टर सुनीता जी CMO पद पे कार्यरत, इनके सानिध्य में रह के जो है, जो हमारे अभी दो अवार्डी थी नीमा और शांति, इनके सानिध्य में रह के मार्गदर्शन इनके द्वारा किया गया, जिससे आज इनको अवार्ड मिला, और उन्होंने भी बड़ी मेहनत से काम किया। तो किस किस तरह से मुश्किलें आई, रूरल एरिया में बहुत कठिन होता है डॉक्टर मैम, तो आप बताएंगे जनता के लिए कि किस तरह से आपने काम किया? हमारी एनम बहनों ने बहुत अच्छा काम किया कोविड काल में। इन लोगों ने हम जितना कहते थे उससे दुगना ये लोग काम करके दिखाते थे। 2 साल से हम लोगों ने इनको कोई छुट्टी नहीं दी है। हमारे, चाहे गजेटेड हॉलीडे हो या इतवार हो, सभी दिन वैक्सीनेशन हुआ है। इसमें इन लोग का बहुत अहम योगदान है। चाहे वो जंगल में कोई गाँव बसे हुए हैं, उनको हमारे यहाँ गोट कहते हैं, या नदी पार करके जाना पड़ता है जहाँ गाड़ियाँ भी नहीं चलती हैं, कुछ वन रावत के गाँव हैं, कुछ जो है बहुत इंटीरियर्स में भी गांव है, सब जगह जाके इन लोगों ने वैक्सीनेशन का कार्य किया। और कभी भी शिकायत का मौका भी नहीं दिया कि मैम छुट्टी दे दीजिए हमें, या आज हमारा संडे, आपने हमें संडे को क्यों ड्यूटी लगाई, या आज मेरा गेस्टेड हॉलीडे, आज अपने, इवन राखी वाले दिन भी हम लोगों ने सेशंस करे हुए हैं। तो इन सब के लिए, जो कोविड का आज हमारा वैक्सीनेशन इतना ज़्यादा हुआ है, जिससे कि हम लोग की जो तीसरी लहर आई थी वो काफ़ी कम हो गई थी, तो उसका सारा का योगदान ये हमारे एनम लोग को जाता है, वैक्सीनेटर्स को जाता है। उनमें से खासकर मैं इन दो, अपनी नीमा चंद को और शांति नयाल को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि भारत सरकार ने उन्हें रिकग्नाइज किया और उन्हें अवार्ड दिया। थैंक यू वेरी मच।